हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे वीडियो लेक्चर्स एंड स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशंस क्या होता है। पॉलिनेशंस को डिफाइन किया जाता है पॉलन ग्रेन का मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा के पास ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को ये क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब प्लांट में तो मूवमेंट होता नहीं है, तो प्लांट में अगर पॉलन ग्रेन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास अगर जाना है तो पॉलन ग्रेन को जाने के लिए कुछ एजेंट के ज़रूरत पड़ेगी, तो वह एजेंट या वह मीडियम जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचता है उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है और बर्ड भी हो सकता है। अब पॉलन जो है जो ट्रांसफ़र हो रहा है मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन के पास, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। ये जो पॉलिनेशंस है ये दो टाइप्स का हो सकता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं पॉलिनेशंस की प्रोसेस होता कैसे है इस फिगर के हेल्प से। तो ये है स्टेमेंस और स्टेमेन का ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम लोग एंथर्स। तो फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्टिव इन कलर्स होते हैं। अब उस अट्रैक्शन के कलर की वजह से, अट्रैक्टिव कलर की वजह से, साथ ही साथ नेक्टर के फॉर्मेशंस के वजह से इंसेक्ट जो हैं जैसे कि होनी भी है इस फ्लावर के पास आती है और फ्लावर के पास आती है नेक्टर के लिए। तो फ्लावर पर जब बैठती है तो इस होनी भी के लेग्स में पॉलन ग्रेन अटैचमेंट हो जाते हैं। फिर नेक्टर के ही खोज में यह होनी भी दूसरे फ्लावर के पास जाती है। वहाँ पर जब ये पहुँचती है तो उस फ्लावर पर जब सीट करती है तो उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एंथर है उस पर ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन अटैच्ड हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे होता है। अब पॉलिनेशन का स्टेप वाइज देखें, देखिए पहले ने बी आई फ्लावर पे सिट किया, जब फ्लावर पे सिट किया तो इस बी के पैरों से क्या अटैच हो गया, पॉलन ग्रेन। फिर ये बी जो है उड़ करके दूसरे फ्लावर पे गई और वहाँ पर जब सीट की तो उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पॉलन ग्रेन क्या हो गया, अटैच हो गया। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन कहाँ चला गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं। अभी हमने कहा स्टूडेंट के पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो पॉलिनेशंस हैं उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है वो एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर पे होता है। इसको भी हम फिगर के हेल्प से आपको डिटेल में बताएंगे। मान लीजिए एक ही फ्लावर पे बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन उसी किसी एक ही प्लांट के किसी फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों जो है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट
उस प्लांट के फ्लावर में बन रहे हैं। एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट बन रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बन रहा है। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऑटोगैमी जो होता है वो मुख्य रूप से बाईसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में बनते हैं। तो ऑटोगैमी दो टाइप के फ्लावर में देखने को मिलता है, एक चैस्मोगैमस फ्लावर और एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर। फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं। अब उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके आधार पर फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर पूर्ण रूप से एक्सपोज हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। लेकिन अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो एक्सपोज्ड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं, जैसे कि वियोला है, पॉलीगैला है, इनमें फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं, यानी कि जो पेटल्स है वो पूर्ण रूप से ओपन ही नहीं होता है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है इनमें क्लोज होता है, तो इनमें ऑटोगैमस टाइप का क्या होता है, पॉलिनेशंस होते हैं। लेकिन इनके अलावा जिनमें, जैसे कि कैस्मोगैमस फ्लावर में, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड होते हैं, तो उनमें जो है कि सेल्फ पॉलिनेशंस तो होता है, लेकिन जीनिटोगैमस टाइप का होता है। मतलब इसमें भी एंथर टू स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, लेकिन सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे। सेम प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर हैं, लेकिन उसी के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो देखा जाए तो जेनेटिकली अगर देखा जाए तो जीनटोगैमी जो है वो क्या है, एक टाइप का ऑटो पॉलिनेशन से है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ही है। अदर जो प्रोसेस है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी में भी ट्रांसफर होता है पॉलन का, ट्रांसफर होता है पॉलन का एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन वह जो है कि एक फ्लावर से ना होकर के दूसरे फ्लावर पे होता है, और वो फ्लावर जो है वो कहाँ पे होगा, दूसरे प्लांट पे होगा। तो जीनोगैमी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन डिफरेंट प्लांट पे। मतलब डिफरेंट प्लांट कहने का मतलब स्पेसीज नहीं चेंज होगी। मान लीजिए एक बगीचा है, वो उस बगीचे में बहुत सारे गुड़हल के प्लांट हैं, तो एक गुड़हल के प्लांट के फ्लावर से दूसरे गुड़हल के प्लांट के फ्लावर पर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। तो जेनेटिकली अगर देखा जाए तो यही क्या है, जीनोगैमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। नहीं तो जेनिटोगैमी और ऑटोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब यह है कि सेल्फ पॉलिनेशंस जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक ऑटोगैमी एक जेनिटोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। आइए अब इससे हम फिगर की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं इस पूरी प्रोसेस को। मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, स्पेसिस सेम है। अब देखिए ऑटोगैमी में क्या होगा कि इसी, ये जो फ्लावर है इसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से इसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर
अगर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड कर जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। अब रही बात जीनिटोगैमी कैसे कहते हैं, तो मान लीजिए एक ही ये एक प्लांट है और उस प्लांट पर दो या दो से अधिक फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के अगर स्टिग्मा पर जाकर गिर जाए तो इस प्रोसेस को हम जीनिटोगैमी कहते हैं। यानी कि ऑटोगैमी और जीनिटोगैमी दोनों एक टाइप के क्या हैं, सेल्फ पॉलिनेशन है। अब रही बात जीनोगैमी क्या होता है, तो मान लीजिए ये एक जो प्लांट है और ये जो दूसरा प्लांट है, एक प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, दूसरे प्लांट पे जो फ्लावर है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाकर जब लैंड करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीनोगैमी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप क्लियर हो गया जीनोगैमी एक टाइप का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, जबकि ऑटोगैमी और जेनिटोगैमी एक टाइप का क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो आज के वीडियो लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट हम बस यही जानेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द बायोलॉजी लेक्चर्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट आज हम जानेंगे कि एंशिएंट टाइम में यानी हिस्ट्री ऑफ क्लास क्लॉथिंग मटेरियल का क्या हिस्ट्री रहा। जैसे कि आज हम जो क्लॉथ पहनते हैं, जो वेरियस डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बने हुए जो क्लॉथ हैं जो आज हम पहनते हैं, ये प्राचीन समय में अवेलेबल नहीं थे। इसलिए एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में जो पीपल्स थे, उस समय जो रहने वाले लोग थे, वो ट्री के जो बार्क हैं, मतलब पेड़ों के जो छिलके हैं, जो बड़े बड़े पत्तियां हैं पेड़ों की, एनिमल के जो स्किन्स हैं, पक्षियों के जो पंख हैं, उसी से ये अपने शरीर को क्या करते थे, कवर करते थे और अपने बॉडी को इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन को नेकेड आई से दिखने से बचने के लिए क्या करते थे कि ये एंशिएंट टाइम के जो लोग थे वो पेड़ों के बार्क यानी छिलकों से, बड़े बड़े जो पत्तियां थी उनसे, साथ ही साथ एनिमल की स्किन से, एनिमल के फर से अपने बॉडी को कवर करते थे। लेकिन जब लोग ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो एग्रीकल्चर करने के लिए प्राचीन समय के जो लोग थे वो नदियों के किनारे जाकर के सेटल होना स्टार्ट किए, रहना स्टार्ट किए। उस समय ये वीव करना, ट्विंग को जो पतली पतली जो टिंग्स होती थी पेड़ों की, उन ट्विंग्स से इन्होंने क्या किया, मैट बनाना स्टार्ट किया, बास्केट को बनाना स्टार्ट किया। फिर कुछ समय बाद जो वाइन्स हैं जिनके बहुत पतली पतली स्टेम्स होती हैं और जो दूसरे पौधों पर ट्विंग्स करते हुए ऊपर क्लाइंबिंग करते ऊपर चढ़ते हैं, उनके हेल्प से तथा एनिमल के हेयर की हेल्प से, जैसे शीप के वूल हैं, इनके हेल्प से इन्होंने लॉन्ग थ्रेड का फॉर्मेशन किया, बड़े बड़े थ्रेड का फॉर्मेशन किया।
फिर इन थ्रेड को स्ट्रेंड करते हुए इन्हें ओवन करते हुए फैब्रिक क्लॉथ बनाना स्टार्ट किया। अब इन्होंने देखा कि अब फैब्रिक्स जो है कि पेड़ों की पत्तियों से जो शरीर ढकते थे या छालों से जो शरीर ढकते थे या एनिमल के स्किन से जो शरीर ढकते थे उससे बढ़िया है। तो इन्होंने अब कॉटन जो क्रॉप है या फ्लैक्स है या कॉटन क्रॉप है इन प्लांटों को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया कि इनसे कपड़े बना सके, इनसे जो प्राप्त किए जाने वाले फाइबर्स हैं इनसे ये कपड़े बना सके। ये जो क्रॉप्स हैं स्टूडेंट ये ग्रो किए जाते थे वाटर सोर्स के नज़दीक ग्रो किए जाते थे, जैसे रिवर वगैरह हैं उनके पास ग्रो किए जाते थे, क्योंकि इनको इरिगेशन के लिए इनकी सिंचाई के लिए अधिक से अधिक अमाउंट में वाटर की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। और शायद इसीलिए एंशियंट टाइम के जो लोग थे नदियों के किनारे रहना प्रारंभ भी किए होंगे। जो प्राचीन इंडियन थे इन्होंने कॉटन क्रॉप को नदियों के किनारे जैसे गंगा नदी है इन नदियों के किनारे ग्रो करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनको कॉटन फाइबर प्राप्त करना था और उस कॉटन फाइबर से इन्हें क्या बनाना था, फैब्रिक्स बनाना था, मतलब क्लॉथ बनाना था। जो नील रिवर है यहाँ से भी जो है कॉटन फाइबर ऑब्टेन करके उनको कॉटन फैब्रिक्स बनाना यूज किए जाने का प्रमाण भी मिलता है। माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम फैब्रिक और क्लॉथ जो आज हम यूज करते हैं, चाहे वो शर्ट के रूप में पैंट के रूप में, ये पहले नहीं, पहले के लोग नहीं जानते थे। इवन उस समय ये क्या करते थे, फैब्रिक्स बनाते थे और उसी से अपने शरीर को क्या कर लेते थे, ढक लेते थे। जैसे आज भी लोग लुंगी वगैरह जो है तौलिया वगैरह से शरीर ढकते हैं, सेम इसी तरह ये भी क्या करते थे, शरीर से ढक लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें इनके पास जो है कि वीविंग की प्रैक्टिस आई और वीविंग की प्रैक्टिस के थ्रू इन्होंने निटिंग और वीविंग की प्रैक्टिस के थ्रू इन फाइबर से फैब्रिक्स बनाना स्टार्ट किया। और डिफरेंट टाइप के जो फैब्रिक्स हैं जैसे कि शर्ट है, कुर्ता है, पैजामा है, ब्लाउज है, इस टाइप के फैब्रिक्स बनाना, साड़ी है, धोती है, लुंगी है, इन्होंने बनाना स्टार्ट किया और रीच करना स्टार्ट किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने ये जाना कि कैसे एंशियंट टाइम में फाइबर्स लोग ने ग्रो कराना स्टार्ट किया, फिर उसे फाइबर कैसे प्राप्त किया, फिर उसे फैब्रिक्स कैसे बनाया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट।